हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अभी से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हस्बैंड जी बाहर बंदर को देखते हुए फ्रूट्स लेकर अंदर आ गए, तो थोड़ी डर की बात है क्योंकि हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, अभी दीपांकर बिल्कुल ठीक है, चाय पी रहा है और ये फिर से बाहर की ओर जा रहे हैं और ये भी जा रही है। बस मुझे ही बाहर नहीं जाने को मिल रहा है, पर मैं भी आ जाती हूँ पीछे पीते क्योंकि अभी खाना बनाने का भी टाइम हो गया है। साँव कनमाना ही बोले दिया काका। और हमारा चीकू दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ये रहा चीकू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चारपाई थोड़ा ऊपर ले जा, उधर को ले जा रहे हैं हम लोग क्योंकि वहाँ पे थोड़ी धूप है। तेरुखन भीतर होता से और चीकू भी कूद रहा है, वहाँ से देख रहे हैं हम लोगों को। तो यहाँ हल्की हल्की धूप आ गई है तो बैठते हैं थोड़ी देर धूप में। और थोड़ा खींचना उधर, ऐसे थोड़ी होगा। चल पकड़ उधर। चलो पकड़ लो। तो हमारे सिपाही आ गए हैं बंदर भगाने वाले। हो गया, चलो बैठो फिर। प्लेटफॉर्म लो या फ्रूट का कहोई में है लगी से ओ चिकू चिकू बंदर। तो फ्रूट का प्लेट बाहर आते हुए गाना फिर से गाना गाना थोड़ा सुनो। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। पतिदेव जी जो मेरी पूरी तरह से हेल्प करते हैं और आप लोग देख सक रहे हो कि ये क्या क्या छील रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर है कीवी, गाजर, बीट रूट यानी कि चुकंदर और अनार, और ये रहे संतरे। तो अब हम बनाएंगे इसका जूस और ये बहुत ही अच्छा है, सर्दियों में पीना चाहिए। सर्दियों में मतलब ताकत बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा बेटा थोड़ा बीमार था तो अभी ठीक है, तो उसी के लिए बना रहे हैं और नाम उसका है पर काम सबका होगा। तो चलिए वीडियो। तो ये थोड़े सब्जियाँ वगैरह हैं और फ्रूट्स वगैरह जो मार्केट से लेकर आए थे। तो दोस्तों मेरी अभी भी ये आदत नहीं गई है कि जो कोरोना के टाइम पे मार्केट से लाके जो हम सामान नमक के पानी से या फिर विनेगर से धो के रखते थे, मैं अभी भी इसी तरह से धो के रखती हूँ। आप रखते हैं या नहीं प्लीज़ बताइएगा। तो हमारा लंच भी बिल्कुल तैयार है और मैंने सब कुछ टेबल पर रखा है। दोस्तों हम इसी तरह टेबल पर ले आते हैं और फिर खाते हैं। तो देखें यहाँ पर बहुत कुछ कुछ मतलब ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा, हाँ मछली बनाया है और ये सरसों के साथ मछली बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी बेटी को सरसों वाली मछली। तो देखिए इस तरह से हम निकाल रहे हैं और अभी एंजॉय करेंगे हम अपना लंच। और जैसा कि आप लोग सुन रहे हो मेरा बेटा क्या क्या बोले जा रहा है। गाइज उसका हस्बैंड बनाते हैं एकदम मस्त सुपर हिट खाना, रूपम मैजिकल किचन एकदम बेकार बेकार से भी बेकार बनाता है। उनको बाटी में देता है, हमको कराही का में देता है। किथम्बा किथम्बा देना सही है, ज्यादा इज्जत करने से भाव बढ़ जाता है।
जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग रोज़ शाम को वॉकिंग के लिए जाते हैं और लंच के बाद सारा काम वाम निपटा के हम लोग चारों बाप बेटी माँ बेटे चारों मिलकर वॉकिंग के लिए गए। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे अच्छे दुकान भी हैं और मतलब बहुत ही सुंदर है नज़ारा। तो ये हमारे यहाँ का बहुत बड़ा कॉलेज ग्राफिक ईरा, तो ये बस उसकी पार्किंग है। जी उपाल अब जुड़ का कॉलेज तो आगे है, अलावा जुड़ का कहूँ इसे मुड़ लड़ा है इस कारण हम जोर से बोल रहा हूँ। तो मेरा बेटा बोल रहा है इनका घंटी बजा के भाग जाए क्या? आप लोग भी करते थे क्या ऐसी बदमाशी? प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। नहीं बेटा, ना ना बेटा नहीं, ऐसी बदमाशी नहीं करना, गलत बात है। तो फ्रेंड्स देहरादून बहुत ज़्यादा ठंडी है, देखिए लोग दुकानों के सामने आग जला जला कर बैठे हुए हैं। तो गाय और उसका बछड़ा भी वॉकिंग करते हुए शाम को है ना। ये देखिए हरियाली है बिल्कुल इस साइड, और इस साइड घर है। तो यहाँ सामने एक ना बूढ़े बाबा रहते थे, तो देखते हैं वो है कि नहीं, बहुत दिनों के बाद आ रहे उस साइड ना, पता नहीं है कि नहीं। वो बिल्कुल कमर से झुक चुके हैं नीचे तक और सीधे होकर नीचे सकते थे, पता नहीं अभी है या नहीं है, तो उनको देखते हैं। ये सामने वाली जो झोपड़ी दिख रही है ना आपको, इसी में रहते थे। पता नहीं है नहीं शायद अब बाबा। हाय और जैसा कि आप लोगों को भी पता ही है, बच्चों के साथ अगर बाहर जाओ तो कुछ ना कुछ लेना ही है। और हम लोग आए थे बाहर तो केक हाउस में गए और वहाँ से कुछ कुछ सामान लेकर आ गए। बेलम लबड़ी किस लिए बोलता है वो? फेरल लबड़ी को वो बेलम लबड़ी भगवान बेलम लबड़ी बेलम लबड़ी। तो बस पेटीज क्रीम रोल और चॉकलेट रोल लेकर आए थे और बस यही था शाम का आज का। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। प्लीज बताना आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते रहेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।